उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को देहरादून जिले की विकास नगर विधानसभा की सभी ईवीएम सील कर जुडिशियल कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, प्रमुख सचिव और चुनाव जीतने वाले बीजेपी प्रत्याशी को नोटिस भेजा है। 6 हफ्ते में नोटिस का जवाब मांगा गया है। विकास नगर विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार नवप्रभात की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया। बता दें कि पूर्व मंत्री और विकास नगर से कांग्रेस उम्मीदवार नवप्रभात ने हाईकोर्ट में ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर याचिका दाखिल की थी। 11 मार्च को आए विधानसभा चुनाव परिणाम के मुताबिक विकास नगर विधानसभा सीट पर भाजपा के मुन्ना सिंह चौहान ने कांग्रेस उम्मीदवार नवप्रभात को हरा दिया था। मुन्ना सिंह चौहान ने नवप्रभात को 6,418 वोटों से हराया था। इसके बाद नवप्रभात ने ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये आदेश दिया।